नमस्कार, मैं उत्कृष्टा यादव, स्वागत है आपका खबर पहाड़ में। खबर पहाड़ की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद। सतपाल महाराज और ऋतु खंडूरी भूषण भी मौजूद है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में मौजूद। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद। सतपाल महाराज और ऋतु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट भी दिल्ली में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद है। कयास लगाया जा रहा है कि नवरात्रि में बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है। जो बड़ा बदलाव वो देखा जा सकता है नवरात्रि में, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है, साथ ही साथ सतपाल महाराज ऋतुभूषण खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में मौजूद है। बड़े बदलाव की जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त दिल्ली में तमाम मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है, क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है फेरबदल की? देखिए, अटकलें तो फेरबदल की ही है और साथ साथ कई दो से तीन मंत्रियों की छुट्टी होने की भी खबर है। और क्योंकि तीन कुर्सियां अभी तक भरी नहीं हैं और अगर तीन और हटा दिए जाते हैं तो लगभग छह कुर्सियों को आने वाले दिनों में भरने की संभावना जताई जा रही है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो आज की जो आज बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बैठक है और ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार कई विवाद उठे और उसमें प्रदेश के मंत्रियों के नाम आए हैं तो कहीं ना कहीं अब उन मंत्रियों से छुटकारा पाने का मौका बीजेपी के पास है। पार्टी आलाकमान इन तमाम उस पर क्या अपना फीडबैक मुख्यमंत्री से लेती है वो आज की इस बैठक में साफ हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, आज कांग्रेस नेता गांधी पार्क